How's it? Yeah, good. That's good? That's so spicy. Yeah, spicy. Yeah. So spicy. Yeah. अभी मैं yeah. रूल फॉलो तो करते हैं भाई. ऐसा नहीं रूल फॉलो नहीं कर रहे. देखो बस वगैरह सारी रुक जाती हैं और यहाँ पर ग्रीन हो जाए तो आप निकल सकते हो भाई. अभी हम बस में है ना, बस में इतनी सारी भीड़ हो रखी है कि बता नहीं सकते. अभी टिकट भी नहीं लिया हमने. 200 ये देखो पीछे की साइड पूरा कोक टोबे का व्यू आपको दिख रहा है, मतलब और वो आपको टेलीविजन टावर और ये सारा, और वो आपको सबसे टॉप पर दिख रहा है ना, वहाँ पर हम जाने वाले हैं. हाँ सबसे टॉप पर वो गोंडोला एक आ रहा है, आपको दिख रहा होगा. और ये हम चार हैं भाई. क्या ही तगड़ा व्यू है, मतलब बर्थ डेट है यहाँ पे हमारी. 6000 टेंगे इन्होंने जरूर लिए पर व्यू बर्थ डेट है. देखो तो गाइस अभी हूँ मैं अलमाटी में, कजाकिस्तान. अभी मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, तो अभी मुझे क्या है करेंसी एक्सचेंज करानी है. तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लोकल में कहीं करेंसी एक्सचेंज हो, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से कराते हो तो आपको उतना अच्छा रेट नहीं मिलता है. और ये कुछ अभी अलमाटी की स्ट्रीट्स पर मैं घूम रहा हूँ, ये देख सकते हो आप. अभी सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब वेदर काफ़ी अच्छा है. वेदर का तो इट्स अ प्लेजेंट राइट नाउ. सो देख सकते हो आप, ये कुछ अलमाटी का व्यू है. और यहीं पर पास में ही करेंसी एक्सचेंज की जो मार्केट में है, तो वहाँ से अभी मैं करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ, क्योंकि मेरे पास डॉलर है. डॉलर मैं इंडिया से कैरी कर रहा था, तो अभी करेंसी एक्सचेंज कराकर फिर हम घूमते हैं अलमाटी शहर. आज देखते हैं हमारा प्लान कहाँ पर है जाने का. ब्रेकफास्ट मैं कुछ घर से लेकर आया था तो वो मैंने घर पर ही कर लिया था, हॉस्टल में कर लिया था. और यहाँ देखो भाई कुछ इस तरीके से आपकी ग्रीन लाइट हो जाएगी और वो देख सकते हो आप. और इस तरीके से यहाँ पर लोग बाग रुक जाते हैं, तो आप समझ लो इनका बहुत अच्छा तरीका है, मतलब सारा सब कुछ इसी तरीके से सब लोग क्रॉस करते हैं. फिलहाल मैं करेंसी एक्सचेंज देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे मिल जाए, फिर आपसे मिलता हूँ कि कितना ये मुझे चेंज करके देते हैं, क्योंकि मेरे पास $100 का नोट है. तो $100 में मुझे कितना मिलता है वो अभी मैं आपको बता दूंगा. क्योंकि एयरपोर्ट से मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि शायद रेट अच्छा ना मिले एयरपोर्ट पर, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया. तो फिलहाल मैं देखता हूँ, आई थिंक मैं लोकेशन पर आ चुका हूँ, फिर आपको अभी बताता हूँ. तो भाई मैं यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करा रहा हूँ और अच्छी खासी रेट मिल रही है मुझे, मतलब अप्रॉक्स 47,000 टेंगे मिल रहे हैं $100 के. तो ये सारी रेट से लेके आप देख सकते हो, अगर आप USD से एक्सचेंज कराते हो तो आपको 47,000 मिलते हैं. ठीक है तो ओके थैंक यू. सो भाई ये आ गई हमारी करेंसी 47,000 टेंगे, मतलब $100 में हमें 47,000 टेंगे मिलते हैं. तो ये रही हमारी करेंसी, एक बार मैं काउंट कर लूँ इसको 47. ओके दैट्स ओके. सो अगर आप एयरपोर्ट से कराओगे तो आपको इतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा. मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कहीं पर भी जाओ सिटी में चेंज करा लो, एयरपोर्ट पर बिल्कुल मत कराओ. तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सिटी में चेंज करा दी. एक्सचेंज रेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है. इन्होंने फिलहाल कुछ नहीं मांगा मेरे से, मेरा पासपोर्ट मांगा और चेंज कर दिया. तो इनकी रेट बाहर भी लिखी है, मतलब मेरे हॉस्टल के पास ही था, हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं था. तो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज मैंने करा लिया, 47,000 टेंगे मुझे मिले हैं $100 के. तो कुछ ये आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे करेंसी एक्सचेंज भी है इस तरीके की, आपको यहाँ पर शॉप मिल जाएगी. यहाँ पीछे देखो पूरा वो लिखा है. और ये देखो ये MUI करके है, तो यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो. भाई हॉस्टल का केवल एक ही फ़ायदा होता है कि आपके दोस्त बन जाते हैं. अगर आप होटल लेते हो तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स इतने सारे नहीं बनेंगे, लेकिन हॉस्टल में आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे. तो चाइनीज़ फ्रेंड है, उसने बोला क्या प्लान है, तो मैंने कहा चलो कहीं चलते हैं घूमने. तो आज जाते हैं कहीं अच्छी सी जगह घूमने अलमाटी में. और फिलहाल 12 बजे का नज़ारा आप यहाँ अलमाटी शहर में देख सकते हो. काफ़ी खूबसूरत शहर है यार, यहाँ का वेदर भी काफ़ी प्लीजेंट है, मतलब इतनी अभी धूप तो है पर धूप ज़्यादा लग नहीं रही. और यहाँ की भाई बस बार बार देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है. यहाँ देखो क्या ही बस, मतलब ट्रेन की तरह बस चल रही है. जैसे ट्रेन हमारे यहाँ चलती है केवल से, वैसे यहाँ पर केवल से बसेस चलती हैं. काफ़ी वेल मेंटेन सिटी है अलमाटी अगर कहो तो. हालांकि कैपिटल अस्ताना है लेकिन अलमाटी भी कम नहीं है, कजाकिस्तानी बहुत. अगर आप यहाँ देखो रोड पर भी तो वो देखो बसेस आ रही हैं, अगर आपको देख रही हूँ बहुत प्यारी लगती हैं भाई, देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं बस. तो आप देख सकते हो ये कुछ नज़ारा भाई, रोड क्लियर करने का तरीका किस तरीके से रोड क्लियर हो रही है. देखो ट्रक निकल गया है और पानी हो गया है यहाँ पर रोड पे. लेट्स गो. तो गर्मी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो
ट्रक पानी छोड़ गया यहाँ पर, आप देखो सही है इनका सिस्टम, मतलब रोड इतना ढूलना हो तो इसलिए पानी छोड़ देते हैं ट्रक यहाँ पर। चलो हमारा भी अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल पार्क, क्योंकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो वो थोड़ा ही दूर है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारे होटल से, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। आपको जैसे आप अगर मान लो ये फुटपाथ टाइप कह सकते हो आप, तो यहाँ पर ये स्कूटर आपको खड़े दिख जाएंगे हर जगह, और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर फुटपाथ है, और साइड में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर आप खा सकते हो, बैठ के चिल कर सकते हो और फिर वॉक कर सकते हो। तो यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर है सब कुछ। तो गाइस अभी मैं सेंट्रल पार्क आ चुका हूँ, फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर, तो ये देख सकते हो आप काफ़ी सारे। हेलो, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पार्क है वो बच्चों के लिए ज़्यादा फेमस है, मतलब छोटे बच्चे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं छोटे बच्चों के लिए, तो इसीलिए मुझे लग रहा है। और उन पार्क में बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया है, मतलब किड्स एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, तो काफ़ी सारे मैंने देखा है। मैं कल कैथेड्रल गया था जो चर्च थी, तो वहाँ पर भी बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारे गेम्स प्ले होते रहते हैं यहाँ पर। सो ये देखो पीछे देख सकते हो आप, भाई अभी पार्क से निकल के आए हम अभी, और पीछे जू दिख गया है हमें, तो यहाँ पर टिकट लगता है, देखते हैं। वन एडल्ट, या जस्ट फॉर वन टिकट, या जस्ट फॉर वन टिकट। भाई देख लो मस्ती चढ़ी यहाँ के लोगों को, देखो भीगना चाहते हैं पानी में। भाई तू मत जा, इसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे देखो एक खच्चर घूम रहा है, मतलब इंडिया जैसा ही है सारा, और उधर जेब्रा है, तो मैं चल के आपको दिखा देता हूँ। मतलब एनिमल्स तो सेम ही है लगभग, थोड़े बहुत अलग हैं, अलग तो हैं मतलब थोड़े बहुत ही अलग हैं। यहाँ पर देखो ये जेब्रा, तो ये देखो भाई, यहाँ के लोग बहुत हेल्पिंग हैं, मतलब कुछ भी आप कहो कुछ भी पूछो वो आपको तुरंत बता देते हैं। और अगर आप किड्स के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ सेंट्रल पार्क आ सकते हो, और सेंट्रल पार्क के पीछे आपको जू मिल जाएगा, तो दोनों साइड आप देख सकते हो। पीछे भी मेरे सारा कितनी सारी भीड़ हो रही है, आप देखो मतलब बहुत सारी भीड़ है, और इस भीड़ में 50% किड्स देखेंगे आपको, 50%। अभी हम जा रहे हैं कोकटोवे, तो कोकटोवे अभी जो माउंटेन व्यू मिलता है वहाँ से केवल कार, तो वहाँ से अभी ये देखिए आप इलेक्ट्रिक बसेस हैं सारी, तो ये बस वो लगी हैं, तो उस बस स्टॉप से हमें मिल जाएगी 25 नंबर की बस। ये देखो बस क्या तगड़े सीन में चल रही है भाई, फिर 25 नंबर बस से, क्योंकि बस में पहली बार बैठ रहा हूँ, पता नहीं कैसे पे करते हैं, कैश लेते हैं या फिर नहीं, तो वो अभी देखता हूँ। चलो भाई बस में, और हम एंटर हो चुके हैं, तो इसकी टिकट कैसे मिलेगी पता नहीं। How much?
200. Yeah. Just a tick. भाई मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पर वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, तो बारिश होने लगी अभी। और ए बस ने हमें उतार दिया था स्टॉप पर, और ए वे है जो कोक टोवे का है, तो यहाँ से हम गोंडोला राइड करेंगे कोक टोवे की। या ओके, सो अभी ग्रीन है, लेट्स गो। भाई देखो कितना छोटा सा प्यारा बच्चा है, ऐसे वर्ड देख नहीं रहा अभी। ये देखो इतनी सारी लाइन लग रही है और बारिश भी हो रही है, और ये रहा हमारा चाइनीज भाई। सो इसको घूमने जगह मिथुन चक्रवर्ती शाहरुख खान, तो भाई कह रही है कोई फिल्म बता रही है मिथुन चक्रवर्ती की। हाँ कया के लोग जानते हैं काफ़ी सारे, और इनके पास बच्चा था तो हमने छतरी में इनको सेट दे दिया। थोड़ी देखो कितना क्यूट सा बच्चा। हेलो हेलो, रेट यहाँ पर आप देख सकते हो वन अडल्ट के लिए 6000 टेंगे राउंड ट्रिप में, और अगर आप वन वे जाते हो तो वन वे आपको 3500 टेंगे में। तो मैं फिलहाल टेंगे दे रहा हूँ इनको और इनसे टिकट लेता हूँ, और उस साइड हमें जाना है आप देख सकते हो, वो केवल कार जा रही है। फिलहाल यहाँ से टिकट ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके का टिकट है, और 7000 टेंगे दिए थे मुझे, 1000 वापस मिल गए, तो एरा टिकट। और फिलहाल हम उस साइड जा रहे हैं जो ऊपर आप देख रहे हो गोंडोला राइड, तो उस साइड हम जाएंगे अभी, वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है। सो लेट्स गो। तो भाई गोंडोला आ रहा है अभी, और हम इस गोंडोला में जाने वाले हैं। पूरी कोक टोवे की हमारी बहुत अच्छी राइड होने वाली है। इतनी सारी भीड़ खड़ी है पर दो दो लोग ही जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ खड़ी है पर दो दो लोग ही जा रहे। सो भाई अभी हम गोंडोला में बैठ चुके हैं, और हमारी कैबिन में 8 लोग बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो काफ़ी ऊँचाई पर आ गए हम, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखो पूरा सिटी का व्यू यहाँ से हमें देखने को मिलता है, पीछे मेरे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, एक सेकेंड। ओके जस्ट लुक, ये देखो पीछे कितना तगड़ा व्यू है भाई, मोबाइल ना छूट जाए कहीं। वो देखो पीछे, अगर आपको दिख रहा हो तो अभी बर्फ भी दिख रही है क्या? हाँ थोड़ी सी आइस है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो भाई हिमालय जैसा लग रहा है कुछ, पर्वत पहाड़ सा, वो शिमला की आई थिंक। और इस साइड भी आप देख सकते हो कितना तगड़ा व्यू मिल रहा है यार, बता नहीं सकता, अलग ही फील आ रहा है। और वो आपको सबसे टॉप पर दिख रहा है ना, वहाँ पर हम जाने वाले हैं, हाँ सबसे टॉप पर वो गोंडोला एक आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, और ये हम जा रहे हैं। तो भाई अभी हमारी एंट्री हो चुकी है कोक टोवे पर, काफ़ी ऊंचाई है, अलमाटी शहर पूरा दिखता है मैंने जैसा आपको दिखाया था, और ये बैक व्यू है, मतलब ये टेलीविज़न टावर आपको ऊपर दिख रहा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी समय से नहीं हुई है, फिर भी अभी आपको स्नो दिख जाएगी काफ़ी सारी, आप पीछे देख सकते हो कितनी सारी स्नो, और एक टेलीविज़न टावर कह सकते हैं हम। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, अमेजिंग, जस्ट पीछे देखो, आपको अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नो देख रही होगी वहाँ पे, देखो मैं जूम कर देता हूँ, और एक कोक टोवे से पूरा व्यू आ रहा है देखो। अभी मैं आपको बहुत तगड़ा व्यू देने वाला हूँ, आप पीछे देखना मेरे, देखो पूरा शहर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ये देखो, इतना ऊपर आ चुका हूँ मैं, यहाँ से आपको पूरा शहर दिख जाएगा। तो जस्ट देखो भाई कितना तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा अलमाटी शहर है मेरे पीछे, आप देख रहे हो पूरा अलमाटी शहर है। और वो देखो अभी भी बर्फ़ जमी है ऊपर, मतलब अभी भी बर्फ़ जमी है इतनी गर्मी में भी।
सो भाई यही है कोक टोवे पर, मतलब आप आओगे तो आपको यहाँ से व्यू मिल जाएगा और ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पर। वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन है, वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि अलमाटी को मुख्य बनाता है। कोक टोवे अगर आप सर्च करोगे मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन अलमाटी तो आपको कोक टोवे उनमें मिल जाएगा। तो हम आज गए थे सैंडल पार्क और कोक टोवे, तो ये सारा कोक टोवे का व्यू है। तो देखिए पूरी पब्लिक यहाँ पर, मतलब इंडियंस मुझे दिखे हैं पर बहुत कम दिखे हैं, इतने सारे इंडियंस मुझे आज दिखे नहीं है, फिर भी इंडियंस तो हैं। अभी तो फिलहाल मैंने आपको काफ़ी सारा व्यू दिखा दिया है, लेकिन इधर से भी अच्छा व्यू आ रहा है। अभी रुको आपको बैक से अच्छा व्यू दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ से, और नीचे लिखा है कोक टोवे, तो ये सारा व्यू है यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब वहाँ से पूरा आपको दिख रहा है, पूरा अलमांडी शहर आप देख सकते हो, और यहाँ से गोंडोला राइड जाती है नीचे की साइड, और एक कोक टोवे है यहाँ से आप देख सकते हो। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, अभी यहाँ ऊपर आकर मेरे को पता चला है। एक्सपीरियंस कहूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऊपर आने का, एक व्यू ही अच्छा मिला है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है चलो जी, हमारी राइड हो चुकी है अभी कोक टोवे से, अभी हम नीचे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा था, एक आध घंटा हमने यहाँ पर व्यतीत किया है, एक आध घंटा हमने यहाँ पर थोड़ा घूमे फिरे, और अभी मैं आपको बैक से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, मतलब तगड़ा ही व्यू होने वाला है। ये देखो क्या ही तगड़ा व्यू आ रहा है भाई, नीचे रोड भी है, रोड वगैरह चल रही है, और ये देखो पूरा व्यू, ये व्यू सबसे टॉप का है। आपको मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर सामने होते तो आपको बहुत अच्छा लगता देखने में। और ये पूरा गोंडोला राइड का, और ये देखो नीचे भाई क्या ही तगड़ा व्यू है, मतलब बर्थ डेट है यहाँ पे हमारी 6000 इन्होंने जरूर लिए, पर व्यू बर्थ डेट है, देखो क्या ही व्यू है। ये देखो पीछे की साइड पूरा कोक टोवे का व्यू आपको दिख रहा है, मतलब और वो आपको टेलीविजन टावर, और ये सारा अभी हम ऊपर से आ चुके हैं, मतलब फिर भी ये देखो ये सारे गोंडोला जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम घूम के आ चुके हैं कोक टोवे, और अभी हमें बस लेना है, मैंने इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है, तंदूर के नाम से कुछ है, तो इंडेक्स से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो एवरीथिंग। और ये देखो इस तरीके से हम स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं यहाँ, मतलब सारे लोग रूल फॉलो तो करते हैं भाई, ऐसा नहीं रूल फॉलो नहीं कर रहे। ये देखो बस वगैरह सारी रुक जाती हैं, और यहाँ पर ग्रीन हो जाए तो आप निकल सकते हो, हमारा बस स्टॉप है सामने आपको दिख रहा होगा, फिर वहाँ से हमें 99 नंबर की बस पकड़नी है, फिर वहाँ से सीधा हम पहुँचेंगे इंडियन रेस्टोरेंट पर, क्योंकि सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट ही किया था, जो घर से खाना लेकर आया था वही मैंने खाया था, और अभी हम जा रहे हैं सीधा बस स्टॉप, और वो देख सकते हो पीछे बस स्टॉप है। सारा इंडेक्स को अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो सारा आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा एवरीथिंग, कहाँ से आपको बस पकड़नी है कहाँ से नहीं। भाई अभी हम बस में है ना, बस में इतनी सारी भीड़ हो रखी है कि बता नहीं सकते, अभी टिकट भी नहीं लिया हमने क्योंकि उसके लिए आगे जाना पड़ेगा, और आगे हम बहुत तेज भगाते हैं भाई, मतलब स्पीड में बता नहीं सकते, देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है बस में, बैठने के तो छोड़ो खड़े होने की जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी। भाई अभी बस ने हमें उतार दिया यहाँ पर, तो अभी पास में ही तंदूरी रेस्टोरेंट है इधर, इस साइड गूगल मैप इस साइड बता रहा है कि इस साइड तंदूरी रेस्टोरेंट है, ऐसे स्टोर आपको जगह जगह मिल जाएंगे वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलो फिलहाल इंडियन रेस्टोरेंट में बताता हूँ कैसा खाना कैसा टेस्ट है। लिटरली बस में इतनी भीड़ थी ना भाई, बस में हमने पे ही नहीं किया, पीछे खड़े हो गए और पे ही नहीं किया, आगे जाने नहीं दिया तो वहाँ कैश दे दे, फ्री में आए भाई कोक टोवे से यहाँ तक। अभी इंडियन रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और मैं नहीं दिखाया तुम आपको एक बार, तो ये रहा इनका मेन्यू, ये देखो वेजिटेबल एक कबाब पता नहीं क्या है, मसाला पापड़ 800 कजाकिस्तान टेंगे, तो सही है वही 100-150 के आसपास, दाल तड़का 2200 टेंगे वही 200-250 रुपए के आसपास, ये रहा सारा वेज का ऑप्शन, ये सारी रेट से आप देख सकते हो, ऑल ऑफ वेज यानी 500 रुपए के आसपास, कढ़ाई पनीर आपको मिल रही है 2200 टेंगे में दाल। ओके भी मैं खा के आपको बता दूँ कैसा टेस्ट है यहाँ पर, हमारा खाना आ चुका है, नो दिस वन इज देयर पुट देयर, सो भाई हमारा खाना आ चुका है, और अभी हमने ऑर्डर किया था एक कढ़ाई पनीर और सिंपल रोटी और सलाद, तो आ चुका है, और ये मेरा चाइनीज फ्रेंड है थोड़ा कन्फ्यूजन में, उसने रोटी के ऊपर ही पनीर लगा ली थी, या हाउ इज इट
Yeah, good. That's good. That's so spicy. Yeah, spicy. Yeah. So spicy. Yeah. अभी मैं yeah that's so good. तो अभी मैं खा के बताता हूँ भाई कैसा टेस्ट है इसका सारा सब कुछ बाहर जाके. तो फिलहाल खाता हूँ इसको. तंदूर इंडियन रेस्टोरेंट ये आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का है. और यहाँ पर देख सकते हो अभी मैंने खाना खा लिया है और हमारा टोटल बिल बना है मैं आपको दिखाता हूँ 5170 टेंगे. यानी कि अप्रोक्स मान लीजिए 1000 रुपये इंडियन के. 1000 रुपये हम दोनों खाना खाया है. उसने भी खाया था और मैंने भी. भाई मैंने क्या है उसको स्पाइसी बोल दिया था तो ये कह रहा है सो स्पाइसी. इसको भी टेस्ट करवा दिया खाना. फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की साइड. अगर आप यहाँ अलमाटी में आ रहे रुक रहे हो तंदूर आ सकते हो. इंडियन रेस्टोरेंट है वेज भी है. काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका. आप खा के टेस्ट भी कर सकते हो. यानी कि मैंने यहाँ पर रिव्यू भी देखा था इसका रिव्यू बढ़िया है. तो ब्रो हाउ इज़ द फूड हियर. भाई ने 10 में से 9 रेटिंग दे दी है. चलो कोई दिक्कत नहीं उसको अच्छा लगा है खाना. फिर भी चलो अब अपनी हॉस्टल की तरफ चलते हैं. बिल भी ज़्यादा नहीं बना 5170 टेंगे. उसमें से 500 टेंगे तो इन्होंने टैक्स के लगा दिए. अगर मैं अकेला भी खाता ना तो मेरा बिल अकेले में भी बनता अप्रोक्स कितना बनता 700-800 रुपये. क्योंकि इसने तो एक दो रोटी खाई है पर फिर भी अच्छा लगा. टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं. अभी हम बस पकड़ते हैं. कहाँ से बस मिलती है क्योंकि बस का टिकट तो पता नहीं कैसे लेते हैं. फिर भी चलो बस पकड़नी है हमें. फिलहाल ऐसे स्टॉप बने होते हैं जगह जगह वहीं पर ये बस रुकती है और वहीं से आप बस पकड़ सकते हो. भाई लोग अभी मैं अपने हॉस्टल में आ चुका हूँ और ये मेरा हॉस्टल है कुछ इस तरीके आप देख सकते हो. ये हॉस्टल है. तो अभी मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि आज हमने काफ़ी सारा घूमा. बहुत सारी जगह घूमे हमने. अब कल देखो हम कहाँ जाते हैं तो कल आपको घूम के बता देंगे. फिलहाल अभी मैं थक गया हूँ. 8-9 बज गए तो आराम करते हैं. मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तब तक के लिए बाय बाय टाटा.